भाजपा में मुझे ऊपर हाई कमान से बहुत धोखा मिला। कोई भी पार्टी बड़ी नहीं रहती है, उसको सींचना पड़ता है। इस बार दो चार विधायक जरूर निकलेंगे इस पार्टी से। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर सरगर्मी तेज है तो वही दूसरी ओर प्रत्याशी भी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जीर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो वही इसी बीच कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में भाजपा नेत्री कुमकुम देवी ने लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कुमकुम देवी ने लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर जो है लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। तो वहीं कुमकुम देवी ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वहीं कुमकुम देवी ने और कुछ क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। भाजपा में मुझे ऊपर हाई कमान से बहुत धोखा मिला, उसके वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और सुनील भैया से मेरा पहले से संपर्क है, जो भाजपा में थे, तो इसलिए मैं उसी पार्टी में शामिल हुई जिसको मैं जानती हूँ। कोई जरूर जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ बन रही है देती है कि हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन हम कोई भी पार्टी बड़ी नहीं रहती है, उसको सींचना पड़ता। तो हम लोग मिल कर सींचेंगे इस पार्टी को, और इस बार दो चार विधायक जरूर निकलेंगे इस पार्टी से। इस पार्टी में यही देख रहे हैं कि इस पार्टी को मजबूत करना है। मैं बरकट्ठा से दो बार जिला परिषद हूँ, और पार्टी में भी आप देख सकते हैं बीजेपी में मेरी सक्रियता हर चीज़ में। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जन युवा आक्रोश रैली में, जो झंडा लेके पत्थर के बीच में जो डटी थी वो मैं थी, और पार्टी के हर कार्य को निभाया। लेकिन पार्टी में महिला सम्मान की बात करते हैं लोग, लेकिन महिला सम्मान की बात आती है जो अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत जो प्रदेश के टीम अगर ऊपर में नाम भेजते हैं तो ऊपर हाई कमान से किसी का पैर भी आता है तो नाम काट दिया जाता है। अगर यहीं से नाम नहीं जाता तो मुझे संतोष होता कि मैं इस लेवल में नहीं पहुंची थी, लेकिन यहाँ से लोगों ने सेलेक्ट करके भेजा, इसका मतलब यही है ना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन केंद्र के टीम से नाम काट दिया तो महिला सम्मान की बात क्या करते, काटने से पहले कोई भी पैरवी करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि नाम किसका काट। अब अमित जादव हैं, उनका पैरवी भूपेंद्र यादव करते हैं, इनका नाम सुनी हो पता नहीं। इस मौके को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगी और इस पार्टी को मजबूत बनाने में मेरी अहम भूमिका हो। तो सुना आपने कि कुमकुम देवी ने क्या कुछ कहा है, यानी उनकी जो मन की पीड़ा थी वो बयां कर रही थी। उन्होंने जिस तरह से भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो यहाँ बताते चले कि पिछले दिनों जो है भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, एक दावेदार भी थी, भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो बरकट्टा से उनका नाम नहीं था। इस वजह से कुमकुम देवी ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया और लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया। तो आप देखते रहिए जीएन भारत रांची, मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।